पिक्चर अभी भी बाकी है। फेंक के देखें, लो छाल के दिखाओ कितना ऊंचा फेंक सकते हो, कितना ऊंचा फेंक सकते हो, फेंको। अरे तुमसे आज तो मैंने फेंक दिया, बताओ तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है। कुछ ऐसे ग्रीन लाइंस आ रही हैं। ऑन हो रहा है क्या? इन 3, 2, 1। अरे बाप रे बाप, भाई साहब ये तो मरने का नाम नहीं ले रहा है। बची हुई पिक्चर गाइस आज हम दोबारा फिर से पूरा करने हैं, सेम प्लेस पे एज ऑलवेज। वेदर बहुत ही एक्सट्रीम है, अभी भी यहाँ पे 42 डिग्री है, गुजरात साइक्लोन का इफेक्ट है। एनीवेज आज हम गाइस करने वाले हैं बढ़िया बढ़िया फोन में लगा रखे हैं, जैसे कि मोटरोला H40, लावा अग्नि 2 एंड पोको F5, रियलमी 11 प्रो प्लस, सैमसंग का भी फ़ोन है अंडर 30 के में A34 एंड एट द लास्ट IQ Z7। इस फोन को मत देखिएगा, इस फोन को ऑलरेडी हम ड्रॉप टेस्ट कर चुके हैं सेम प्लेस पे, S23 अल्ट्रा एंड दी 14 प्रो मैक्स। ऑल्सो गाइज बिग क्वेश्चन ये होता है ना, कौन सा टेम्पर ग्लास आप लगाएं, बिकॉज एज यू नो ग्लास कितना ही मजबूत हो इवेंचुअली टूट सकता ही है। तो आपने ये देखा होगा मोटरोला H40 और रियलमी 11 प्रो प्लस में जो ग्लास की क्वालिटी बहुत ही पुअर है, और ऑल्सो लावा अग्नि 2 में भी स्क्रैचेस बहुत ही जल्दी लग जा रहे हैं। तो कौन सा टेम्पर ग्लास आप यूज़ करें और कौन सा मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो ये रहे वो टेम्पर ग्लास फ्रॉम द ग्लेज इट, मैंने सारे फ़ोन में लगा रखा है। मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ कि कैसे हैं टेम्पर ग्लास। जैसे कि मोटरोला H40 में मैंने लगा रखा है, यू नो इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, मैं सुपर प्रो नहीं हूँ तो आपको इसीलिए छोटे मोटे यहाँ पे जो एयर बबल्स देख रहे हैं वो इसलिए यहाँ पे डीप स्क्रैचेस हैं, दैसो यहाँ पे ये दो देख रहा होगा। तो वही आप देख सकते हैं ग्लास बहुत ही परफेक्ट फिट है, डस्ट रेजिस्टेंट भी बहुत ही कूल है, और सेम हमने लगा रखा है लावा अग्नि 2 पे, ऑल्सो रियलमी 11 प्रो प्लस पे भी हमने सेम ग्लास लगा रखा है और फोन प्रॉपरली वर्किंग है। मैं आपको पोको F5 पे क्विकली लगा के दिखाता हूँ कि इसका भी हमें ग्लास टेस्ट करना है। ये फ्लैट ग्लास है बट स्टिल यहाँ पे भी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हम विद टेम्पर ग्लास ड्रॉप करेंगे, देन एट द लास्ट हम विदाउट टेम्पर ग्लास ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि फ़ोन किस हाइट से ब्रेक होता है और कितना देर तक चलता है। तो डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ड्रॉप टेस्ट। सभी फोन्स पे डिफरेंट ग्लास प्रोटेक्शन है, किसी में है किसी में नहीं है। फर्स्ट हम 2 फीट से ड्रॉप करते हैं विद द टेम्पर ग्लास, अगर टेम्पर ग्लास ब्रेक हो जाता है देन हम विदाउट टेम्पर ग्लास ड्रॉप टेस्ट करेंगे और देखते हैं क्या फ़ोन बचता है नहीं बचता है। फर्स्ट विद द टेम्पर ग्लास फ्रॉम द वेस्ट हाइट इन 3, 2, 1। ये IP68 फ़ोन है, मेटल फ्रेम यहाँ पे है। नाउ अब लावा अग्नि 2, वाव लास्ट टाइम हमने वहाँ पे ड्रॉप टेस्ट किया था, वहाँ पे धूप है इसलिए हम इधर आ गए। नाउ द किंग खान फोन, सैमसंग का प्लास्टिक A34, IQ सबसे लाइट वेट यहाँ पे लग रहा है एंड द पोको F5। अभी हम डिफरेंट तरह से ड्रॉप कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ोन टूटे कि नहीं टूटे। बैक साइड से ट्राई करते हैं, सेम हाइट IQ इन 3, 2, 1। लावा अग्नि 2 यहाँ पे भी ग्लास का बैक पैनल है, टूटा नहीं टूटा वो तो हम बाद में देखेंगे। रियलमी का जरी वाला फ़ोन, सैमसंग प्लास्टिक, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मोटो H40 वीगन लेदर, वाव। पोको F5, क्या शॉक से कोई डिस्प्ले डेड हुआ? नोप। पोको भी ओके है, मैं आपको बाद में सारा दिखा दूंगा। रियलमी भी ओके है एंड दी IQ, मोटरोला, लावा एंड एट द लास्ट दी सैमसंग, सारे डिस्प्ले ओके हैं। विद द डिस्प्ले साइड लेट्स सी, अब यहाँ पे टेम्पर ग्लास डेफिनेटली टूट जाना चाहिए लेकिन आपका डिस्प्ले बच जाएगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट सैमसंग, लावा अग्नि 2, मोटो H40 एंड दी IQ Z7, रियलमी 11 प्रो प्लस, पोको F5 विद द टेम्पर ग्लास ऑन। टेम्पर ग्लास होपफुली टूट जाना चाहिए,
यस, क्योंकि वो उसका काम ही वही होता है, वो टूट जाए लेकिन आपका फ़ोन बच जाए। मोटो का टेम्पर ग्लास टूट चुका है, रियलमी का भी क्रैक हो चुका है, एंड आई क्यू ओके है। लावा का टेम्पर ग्लास नहीं टूटा सरप्राइजिंगली, काफ़ी बढ़िया लगता है, फिट हुआ है यहाँ पे। एंड एट द लास्ट ये रहा सैमसंग। तो हम टेम्पर ग्लास निकाल के चेक कर लेते हैं कि ग्लास में कुछ इश्यूज आई है कि नहीं आई है। देखा गाइस आपने, मैंने कहा था ना यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बर्न हो गया ना, तो वहाँ पे फिक्स हो गया, लेकिन डिस्प्ले परफेक्टली ओके है। एंड मोटोरोला का भी चेक कर लेते हैं, मोटोरोला का भी डिस्प्ले परफेक्टली ओके है। पोको F5 का टेम्पर ग्लास टूट गया, इसको भी निकाल लेते हैं, एंड ये डिस्प्ले भी परफेक्टली ओके है। तो देखा गाइस आपने, टेम्पर ग्लास लगाने से बेनिफिट ये हुआ कि फ़ोन आपका ड्रॉप टेस्ट में नहीं टूटेगा, चाहे आप 2 फीट से गिराएं चाहे आप 4 फीट से गिराएं। डाउन टू गाइस हम अराउंड 5 to 6 feet से ड्रॉप करते हैं, लेट्स सी अब क्या होता है। फर्स्ट विद द 6 feet हाइट, मोटो H40 इन 3, 2, 1। वाओ, पोको F5, रियलमी 11 प्रो प्लस, सैमसंग A34, IQ Z7 और Lava Agni 2। लावा का टेम्पर ग्लास आई थिंक टूट चुका है, इसको भी हम निकाल देते हैं, लेकिन डिस्प्ले परफेक्टली ओके है। इस साइड से आई थिंक कोई फ़ोन नहीं जाएगा, बिकॉज सब साइड इम्पैक्ट हुए, साइड इम्पैक्ट से जनरली कोई भी फ़ोन नहीं टूटता है, सारे के सारे फ़ोन प्रॉपरली ओके हैं, नो सच प्रॉब्लम, एक्सेप्ट ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, आई डोंट नो इससे क्या होगा। सेकेंड लास्ट ड्रॉप टेस्ट, रियर साइड से ट्राई करते हैं, क्या एमोलेड डिस्प्ले शॉक से ख़राब होता नहीं होता है। इन 3, 2, 1, पोको F5 प्लास्टिक पैनल, IQ Z7, Lava Agni 2, इसमें भी ग्लास का बैक पैनल है। आओ, पहला फोन जो फेल हुआ, Realme 11 Pro Plus। तो देखा आपने ग्लास के बैक पैनल का ड्रॉबैक क्या होता है। नाउ Samsung A34 चीप है लेकिन चल रहा है। ओके, तो राउंड वन में जो फर्स्ट फेलियर है वो दिख गया यहाँ पे, लावा का बैक पैनल बुरी तरीके से क्रैक हो चुका है, ब्यूटीफुल स्पायरल वेब्स, और इन सब में तो प्लास्टिक का पैनल है, लेदर का पैनल है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं। सो दैट्स वाई फोन पिक करते वक्त ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पैनल ज़्यादा चलने वाला है। लास्ट ड्रॉप टेस्ट विद द स्क्रीन साइड, लेट्स फाइंड आउट गाइस अब क्या होता है। लाइट वेट फोन बचेगा कि बढ़िया ग्लास का प्रेशर बचा सकता है। एंड स्ट्रेट फ्रॉम द 6 feet हाइट इन 3, 2, 1, IQ Z7 नो प्रॉब्लम, पोको F5, Realme 11 Pro Plus, Motorola H40, कोई ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं इसमें है, Lava Agni 2, ओके, एंड द Samsung A34। क्या लगता है कोई टूटा होगा? लेट्स चेक इट आउट। वाओ, Samsung Gorilla Glass 5 आई बिलीव, इसका डिस्प्ले टूट चुका है, इसको हम हटा देते हैं। IQ Z7 ये भी ओके है, Motorola में सरप्राइजिंगली, ओ यस, Motorola भी क्रैक हो चुका है, एज यू कैन सी साइड से यहाँ पे इसका डिस्प्ले क्रैक हो चुका है। सो ये फ़ोन भी फेल हो गया जिसमें कोई भी ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं थी। लावा ऑन द अदर हैंड, डिस्प्ले इसका अभी भी ओके है। पोको का भी डिस्प्ले टूट चुका है, एज यू कैन सी काम कर रहा है लेकिन यस, डिस्प्ले इसका टूट चुका है, और इसका डिस्प्ले जा भी चुका है। आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रीन लाइंस आ रही हैं, ये डिस्प्ले में कुछ ऐसे ना फ्लिकरिंग सी हो रही जैसे, देखो ये एक आइकॉन डबल डबल बार आ रहे हैं। सो ये जा चुका है इसका डिस्प्ले, कैमरा वर्क करता नहीं करता, ये रहा कैमरा, कैमरा वर्क तो कर रहा है बट ये कुछ वियर्ड सी यहाँ पे ग्रीन लाइंस आ गई है। तो पोको भी फेल हुआ, और अरे वाह, रियलमी भी फेल हो गया, इसमें भी कोई बहुत सी प्रॉब्लम आ गई, ये भी जा चुका है। सो दो फ़ोन बचे हमारे पास, जो क्लियर विनर बचा है वो अभी तक है IQ Z7 एंड लावा का डिस्प्ले ओके है। ये फ़ोन प्लास्टिक पैनल से है, इसका डिस्प्ले भी ओके है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं इसमें। चार फोन तो गाइस हमारे फेल हो गए, एक फ़ोन क्लियर विनर बचा है, एक पार्शल बचा हुआ है। टेस्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक्साइटिंग करते हैं और थोड़ी सी ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लावा के फ़ोन को ड्रॉप करते हैं अराउंड 10 फीट की हाइट से। ये गया
Now we have the IQ Z7. अब देखते हैं गाइस क्या हुआ. कम ऑन, क्या लावा इंडियन ब्रांड मजबूत निकला. आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है. ओह, लावा का डिस्प्ले 10 फीट से भी नहीं टूटा, जबकि नो आईक्यू भी नहीं टूटा. सुपर सरप्राइजिंग. तो क्या लावा के साथ कुछ और टेस्ट परफॉर्म करें, लुका दे इसको हवा में. मैं जो गाइस कहता हूँ वो मैं पूरा करके भी दिखाता हूँ. शुरुआत मैंने आपसे कहा था पिक्चर आज हम पूरा करके छोड़ेंगे. तो हमारे पास दो विनर हैं अभी भी, IQ Z7 एंड दी लावा अग्नि 2. बाकी सारे फेल हो गए हैं तो वो हट चुके हैं. अब हम इनको फेंकते हैं और देखते हैं कि क्या होता है. रिमेंबर लास्ट टाइम जो हमने थ्रो किया था, सबसे पहले IQ Z7 इसको हम लुकाते हैं बहुत दूर. बहुत दिनों बाद फिर से फेंकने का मौका मिल रहा है. इन 3, 2, 1. और अब बारी है लावा की. लेट्स सी. क्या बात है, लावा के साथ कुछ नहीं हुआ. और अपना IQ, नो प्रॉब्लम. दोनों के फोन गाइस कुछ नहीं हुए. हमने अप्रॉक्सीमेटली 50-60 फीट तो फेंका ही होगा, बट दोनों फोन्स में कुछ नहीं हुआ. लेकिन पॉइंट ये कि ये गिरे थे अभी मिट्टी पे, अब हम उसको पत्थर पे फेंक के देखते हैं. सेकेंड टाइम गाइस फिर से फोन को फेंकते हैं. इस बार मैं उसको फेंक रहा हूँ पत्थर पे. अब देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले IQ Z7 इन 3, 2, 1. अरे बाप रे बाप, लावा की बारी. क्या लावा बचेगा? अगर ये बचेगा तो ये फोन में किसी को कुरियर कर दूंगा. ओके, 3, 2, 1. ये टूटे उठे कहीं क्या साहब, कहाँ जा रहा है भाई साहब? ये तो मरने का नाम नहीं ले रहा है, अभी तक नहीं टूटा ये. अरे IQ, इसके तो बैंड बच गई होगी. अरे बेटा इसकी तो हो गई है. ऑन हो रहा है क्या? ये ऑन भी नहीं हो रहा है, फुल्ली डेड हो गया है. अभी हमारे पास बचा है जस्ट, क्या बचा है? लावा. इन 3, 2, 1. हाँ, फाइनली बेचारे ने दम निकाला. कितनी बार इसको हमने फेंका, अब जाके ये मरा. फ्रेम भी यहाँ से क्रैक हो गई है, डिस्प्ले भी कम्प्लीटली जा चुका है. लेकिन थोड़ा सा वर्किंग, आई थिंक कैमरा मैं ऑन करूँगा ना तो शायद. नहीं, कुछ नहीं काम कर रहा है, कम्प्लीटली डेड फोन. 42 डिग्री गाइज, रियली टायर्ड. बाहर की सारी कहानी तो आपने देख दी. एट द लास्ट फोन किस कंडीशन में है और कौन सा फोन मोस्ट ड्रिवन निकला. किस कंडीशन में सारे फ़ोन की डिस्प्ले आप देख सकते हैं. सिर्फ एक ही फ़ोन में बैक पैनल ग्लास का था तो वो आपने रिजल्ट देख लिया. बाकी टच की बात करें, मोटोरोला वर्किंग, रियलमी वर्किंग, पोको भी वर्किंग है लेकिन यहाँ पे डबल डबल आइकन आ रहे हैं. सैमसंग परफेक्टली वर्किंग है. लावा में घोस्ट टच एक्टिवेट हो चुका है और IQ पूरा डेड हो चुका है. नया सीन में गाइस, सारे फोन जो हमारे डेड होते हैं वो इस ग्रेवयार्ड में चले जाते हैं. सबसे लास्ट पोजीशन पे जो मैं फ़ोन रखूंगा अभी जो वर्स्ट कंडीशन में निकला वो है पोको, बिकॉज इसका डिस्प्ले यूजबल नहीं है. भले ही टच वर्क है लेकिन आई थिंक आप इस डिस्प्ले को चलाना नहीं चाहेंगे. उसके ऊपर के फ़ोन यानी कि नंबर 3 पोजीशन पे मोटरोला है, परफेक्टली वर्किंग डिस्प्ले, आप इसको चला सकते हैं. रियलमी भी परफेक्टली वर्किंग है, ये भी आप चला के यूज़ कर सकते हैं, टेम्पर ग्लास लगा के अपना काम चला सकते हैं. सैमसंग भी बेटर निकला, ये भी परफेक्टली चल रहा है. नंबर 2 पे जो फ़ोन आया वो आएगा IQ Z7, बिकॉज सरप्राइज की निगाह ये फ़ोन राउंड 3 तक गया और एकदम लास्ट में फ्लैट गिरने पे एकदम 60-70 फीट से तब जाके डेड हुआ. मोस्ट ड्यूरेबल फोन जो मुझे लग रहा है वो है लावा अग्नि 2, बिकॉज अभी भी समहाउ इसका टच वर्किंग है सेम तरह का टेस्ट करने के बाद भी, यानी कि कभी कभी ये फ़ोन चल भी जाता है. सो आई मीन या इट्स काइंड ऑफ मिरेकल. काफ़ी बिग हैवी होने के बाद भी ये काफ़ी आगे निकला. IQ काफ़ी लाइट वेट था उससे कंपैरिजन में कह रहा हूँ. लावा अग्नि 2 की क्वालिटी सीरियसली काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है. See you in the next video very soon. Till then, have a great day. कोई भी पोल्यूशन फेंका नहीं जाएगा, ये सारी चीजें हम ले जाएंगे और प्रॉपर्ली रिसाइकिल करेंगे. भैया हर एक चक्कर में आग लग जाएगी उसमें. फोन चलाते हो?